हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट की जो साइज है वो लॉक कैसे करते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं रो या कॉलम कुछ भी इंक्रीज करूंगा तो चार्ट की साइज भी उसी हिसाब से बदल जाएगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जब मैं रो इंक्रीज कर रहा हूं तो ये देखिए चार्ट की जो साइज है वो बदल रही है। ठीक है, तो इसको अगर हमें लॉक करना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वापस पोजिशन पे चलते हैं और चार्ट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो जब आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए चार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब ऊपर के हिस्से पर कहीं पर भी कर्सर ले जा करके आपको राइट क्लिक करना है और यहां से आपको ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट चार्ट एरिया का। ठीक है, ये दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो राइट साइड में आपको फॉर्मेट चार्ट एरिया का ये देखिए ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पर हमें क्लिक करना है इस पे साइज और प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो जब आप साइज और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन मिलता है साइज और प्रॉपर्टीज का। हमें जाना है प्रॉपर्टीज पे और यहाँ पर ये डोंट मूव साइज विथ सेल पे सेलेक्ट कर लेना है हमें। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, डोंट मूव साइज, डोंट मूव और साइज विथ सेल्स पे। उसके बाद बस इतना ही करना है। उसके बाद अब देखिए, जब मैं इसके साइज जो है, सॉरी, नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम इंक्रीज कर रहा हूं तो ये देखिए इसके चार्ट के साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये देखिए,